Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ रुबीना। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त, जो बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। चले मैं आप आपको टाइम ज़ाया किए बगैर इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने गोश्त लिया है मटन 500 ग्राम, 1 किलो शलजम लिया है, 1 दरमियाने साइज का प्याज लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टमाटर बारीक पीस लिए हुए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जड़ा मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा और आधा ही चम्मच हल्दी ली है। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1/4 कप ऑयल डालेंगे, अदरक लहसुन डालूंगी मैं, एक कप से मैंने थोड़ा सा कम लिया है ऑयल, अब ऐड करूंगी। अब मैं ऐड करूंगी टमाटरों के बाद टमाटरों का पेस्ट मैंने गोश्त ऐड करूंगी। अब मैं ये तमाम मसाले ऐड करूंगी। गोश्त को थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे पका। गोश्त हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें शलजम ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम 1 ग्लास पानी मैंने डाला है और 1/2 ग्लास एक डाला है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे या फिर 15 से 20 मिनट में हल्की आंच में पकाएंगे। अगर आप चाहें तो 8 मिनट के लिए कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारा पानी थोड़ा सा और खुश्क होगा, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको हम। अब इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड करूंगी छोटी साइज की। शलजम गोश्त तैयार हो गया है, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया है, गोश्त अच्छी तरह गल गया हुआ है और शलजम भी गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। मैंने मोटा मोटा काटा है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अभी अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। मजेदार शलजम गोश्त तैयार हो गया है। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है, आप बनाएं और ट्राई करें, बहुत ही मजेदार यम्मी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।